हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। कंप्यूटर बेसिक्स के आज के सेशन में हम चैप्टर 2 के MCQs यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दो चैप्टर्स के MCQ क्वेश्चंस को टेस्ट करेंगे, जिसमें हमने टेस्ट योरसेल्फ कंसेप्ट के अंदर ये इम्प्लीमेंट किया है, जिसमें आज के सेशन में हम दोनों चैप्टर्स के MCQ बेस्ड क्वेश्चंस और आंसर्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें पहला ऑप्शन आता है विंडोज 7, दूसरा ऑप्शन पेज मेकर, तीसरा ऑप्शन नोटपैड एंड चौथा ऑप्शन है फोटोशॉप। तो इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, तो इसका सही आंसर है विंडोज 7, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एग्जीक्यूट अदर सॉफ्टवेयर्स। तो इसमें भी आपके लिए ऑप्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो इसमें भी सही आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो बेसिकली दूसरी एप्लीकेशंस और पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। तो इसमें पहला ऑप्शन है स्कैनर, दूसरा प्लॉटर, तीसरा वेब कैमरा और चौथा है माइक। तो इसमें सही आंसर है प्लॉटर। प्लॉटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है जो मैप्स और बिल्डिंग मैप्स को प्रिंट करने के लिए या आर्किटेक्चर प्लान आउट्स प्रिंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें से कौन सी कंप्यूटर की लिमिटेशन है, स्पीड, एक्यूरेसी, लैक ऑफ इंटेलिजेंस या डिलीजेंस। तो इसमें सी आंसर इसका सही है, लैक ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो कंप्यूटर की लिमिटेशन में काउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, विंडोज 7, पेज मेकर, नोटपैड या फिर फोटोशॉप। तो यहाँ पर हमारे पास सही आंसर है ए, विंडोज 7 जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो विंडो 7 है, विंडो XP है, विंडो विस्टा है, विंडो 10 है या विंडो 11 है, कोई भी मैक OS है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में काउंट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है डैश इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। तो इसमें से डेनिस रिची, चार्ल्स बाबेज, टिम बर्नर्स-ली या स्टीव जॉब्स। तो इसमें सही आंसर है चार्ल्स बाबेज जो है उनको हम फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विच वन इज नॉट अ कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। तो इसमें ऑप्शंस हैं आपके पास मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या मिनी फ्रेम। तो इसमें सही आंसर है डी, मिनी फ्रेम किसी टाइप का कंप्यूटर नहीं होता है, उसका सही मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है या मिनी कंप्यूटर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच वन ऑफ दीज इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर। तो इसमें भी मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, सबसे फास्ट कौन सा है, ऑब्वियसली सुपर कंप्यूटर इज द मोस्ट पावरफुल एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर अवेलेबल इन दिस एंटायर वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड इन द ईयर डैश। तो इसमें कौन सा ईयर था जिसमें सुपर कंप्यूटर को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, तो सही आंसर है इसके अंदर 1964 में पहले सुपर कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है माइक्रो कंप्यूटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डैश सब कैटेगरीज 1, 2, 3 और 4। तो इसमें हमारे पास सही आंसर है 3 कैटेगरीज में, जिसको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और पाम टॉप कंप्यूटर के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आता है डेजी व्हील इज अ डैश टाइप ऑफ प्रिंटर। किस टाइप का प्रिंटर है ये, मैट्रिक्स प्रिंटर है, इंपैक्ट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है या नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। तो इसके लिए सही आंसर है कि ये एक इंपैक्ट प्रिंटर होता है, क्योंकि इसमें रिबन इंक से बना हुआ एक रिबन यूज होता है और प्रिंटिंग हेड के जरिए पेज पर उस रिबन में लगी हुई इंक की हेल्प से प्रिंटिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन मेमोरी गेट्स रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स एवरी सेकेंड। तो इसमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जो बार बार रिफ्रेश होती है, हर सेकेंड कई बार रिफ्रेश होती है। तो इसके लिए सही आंसर है डायनामिक रैम।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, विच मेमरी इज यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम रैम। तो इसके लिए कौन सी मेमरी यूज होती है, रजिस्टर, मेन मेमरी या कैश मेमरी या फिर रीड ओनली मेमरी। तो इसके लिए भी सही आंसर है कैश मेमरी, जो कि मेन मेमरी से इंफॉर्मेशन या रैम से इंफॉर्मेशन जो है रिसीव करके स्टोर करता है ताकि प्रोसेसर को फॉरवर्ड की जा सके। क्वेश्चन नंबर 14 है, एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट स्कैन्स एंड रीड्स द मार्क्स मेड बाय पेन और पेंसिल ऑन द पेपर। तो इसके लिए MICR का यूज होता है, BCR का यूज होता है, OCR का यूज होता है या OMR का यूज होता है। तो इसके लिए हम OMR शीट्स यूज करते हैं एग्जामिनेशंस में, तो उसके लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर डिवाइस का यूज होता है, OMR नॉर्मली हम उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, डैश इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। तो इसमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जो वॉलेटाइल नेचर की होती है, यानी कि टेम्पररी नेचर की होती है। तो इसके लिए हम सही आंसर देते हैं रैम। रैम जो है वो टेम्पररी नेचर की होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच प्रिंटर यूजेस टोनर फॉर प्रिंटिंग आउटपुट। तो इसमें से कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो टोनर का यूज करता है। टोनर का मतलब इसमें पाउडर के फॉर्मेट में इसमें इंक होती है और लेजर टेक्नोलॉजी से उसका यूज किया जाता है। तो सही आंसर इसका लेजर प्रिंटर जो है वो टोनर का यूज करता है प्रिंटिंग पर्पस को पूरा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें सीपीयू की स्पेसिफिकेशन, रैम की कैपेसिटी या एचडीडी स्पेसिफिकेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें हम तीनों चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, DPI स्टैंड्स फॉर डैश। तो इसके लिए डेटा प्रोसेसिंग इंटरफेस, डॉट्स पिक्सल्स इंटरफेस, डॉट्स पर इंचेस या ऑल ऑफ द अबव। तो इसके लिए सही आंसर है सी, डॉट्स पर इंचेस। ये मेजरमेंट यूनिट है प्रिंटिंग की, कि जब भी हम किसी डेटा को प्रिंट करते हैं तो उसके लिए किस तरह से उसकी मेजरमेंट होती है, तो वो DPI में मेजर होती है कि डॉट्स पर इंचेस कितने प्रिंट हुए हैं। जिसकी जितनी ज़्यादा डॉट्स पर इंचेस होंगे उसकी पिक्चर क्वालिटी उतनी बेस्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर्स ऑफ सेकेंड जनरेशन यूज्ड डैश एज मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट। तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में किस कंपोनेंट का यूज़ किया गया था उसको बनाने के लिए, तो इसमें ट्रांजिस्टर्स थे, वैक्यूम ट्यूब्स थी, IC थी या फिर माइक्रोप्रोसेसर्स थे। तो ऑब्वियसली सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल एंड वाइस वर्सा। यानी ऐसा कौन सा डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। ऑप्शंस आर फैक्स मशीन, ट्रांसिस्टर्स, मॉडेम या फिर माइक्रोप्रोसेसर। तो इसका सही आंसर है मॉडेम, यानी कि मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो ये 20 क्वेश्चंस थे जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हैं, और इन सभी क्वेश्चंस की आंसर की भी आपके साथ मैं यहां पर शेयर कर रहा हूं PDF नोट्स के अंदर। आप इनको अपनी रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।